नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है MI स्मार्ट बैंड 5। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप अलग अलग टाइप के वॉच फेस अपने यहाँ पे डायल पे सेट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अपने कुछ जो फोटोज़ है, सेल्फीज़ है, जो भी आपने पिक्स डाउनलोड किए हुए हैं, जो भी क्लिक किए हुए हैं, वो भी पिक्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपको ये करना कैसे है, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है नीचे से, और फिर आपको यहाँ पे MI स्मार्ट बैंड उस पर क्लिक करना है, आपका जो भी बैंड होगा 4 या 5, और फिर आपको यहाँ पे स्टोर दिखाई देगा सबसे पहला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है, और स्टोर में जो भी वॉच फेस अवेलेबल होंगे आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। दोस्तों फिर इसमें सबसे पहली लाइन होगी जो होगी फोटो वॉच फेस, तो इसमें आपको 5 अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं, तो आप 5 अलग अलग स्टाइल्स में से किसी भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। आपको मान लो पहली स्टाइल को चूज़ करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, और जो टेक्स्ट का कलर होता है आपने देखा होगा, जो टेक्स्ट का कलर था यहाँ पे वाइट था, आप जो टेक्स्ट के कलर को जो है वो भी चेंज कर सकते हो, जो राइटिंग होगी ये ब्लैक हो जाएगी इस तरीके से, या फिर इस तरीके से ब्लू हो जाएगी, या फिर रेड, तो आप अलग अलग कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो। और अगर आपको आपकी पिक यहाँ पे सेट करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज बैकग्राउंड में जाके, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको अगर रियल टाइम में कोई सेल्फी लेनी है, फोटो लेनी है, तो आप यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही कोई फ़ोटो क्लिक करके रखी है तो आपको गैलरी में क्लिक करना है, और फिर गैलरी से आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लो मुझे ये वाली फ़ोटो चूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को चूज़ करके जो क्रॉपिंग है वो कर दूँगा, तो आपको जितनी क्रॉपिंग करनी है उस हिसाब से आपको क्रॉपिंग कर देनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है, और डन करने के बाद जो सिंकिंग आपको करना है नीचे, सिंक वॉच फेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंकिंग हो रहा है, और अब सिंकिंग सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हो जो फोटो है वो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फोटो भी यहाँ पे अपने रख सकते हो, आप चाहे कोई भी फोटो रखना चाहते हो आप कोई भी फोटो रख सकते हो, आपको क्रॉप करना है और डन करना है। अगर आपको किसी दूसरे स्टाइल से करना हो आप दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल का मतलब है कि जो टेक्स्ट होगा अलग अलग स्टाइल में लिखा हुआ होगा, तो अगर आपको टेक्स्ट के जो कलर है वो चेंज करना है तो आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे कस्टमाइज बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, गैलरी सिलेक्ट करना है, और आपको जो भी फ़ोटो यहाँ पे रखनी हुई आप उस फोटो को यहाँ पे रख सकते हो, और फिर आपको यहाँ पे क्रॉप कर देना है इस तरीके से, और डन करना है। तो अब ये जो फोटो होगी आपको यहाँ पे सिंक वॉच फेस पे क्लिक करना है लास्ट में, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटो है यहाँ पे आ चुकी है, जो मेरी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कोई फ़ोटो सेट करनी है जैसे पहले थी वैसे ही करनी है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऊपर नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाएंगे वॉच फेसेस, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये सिलेक्ट करना है तो आपको इस पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो ये अभी जो फ़ोटो है या जो भी वॉच फेस है वो सेट हो जाएगा आपके स्मार्ट बैंड 5 में। तो इस तरीके से आप अपने खुद के फ़ोटो यहाँ पे वॉच फेस पे रख सकते हो, और जो कलर होंगे टेक्स्ट के वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।